PZB न्यूज चैनल की काबिशों पर मलक फैसल का नुशहरा विरका से खसूसी पैगाम, आइए सुनते हैं। हर खबर आप तक पहुंचाए, हर खबर आप तक पहुंचाए, हक सच की कलम चलाए, जो मजलूम की आवाज है वो आवाज हमारी है। SZB न्यूज आवाज तुम्हारी है, SZB न्यूज आवाज तुम्हारी है, SZB न्यूज, SZB न्यूज, हक सच की कलम चलाए, हर खबर आप तक पहुंचाए, SZB न्यूज, SZB न्यूज। कोड़ा में महबूबा को मोबाइल फोन देने वाला नौजवान पिट गया। महबूबा को मोबाइल फोन पेश करने वाले मुबीना आशिक पर लड़की के बाप और उसके साथियों का वहशियाना तशद्दुद। लड़की के बाप ने साथियों की मदद से तशद्दुद किया, सर मुछी और मुंह भी मूंड डाली। दूसरा नौजवान से दो मोबाइल फोन और 32,000 रुपए नकदी भी छीन लिए गए। पुलिस ने एक्शन लेते हुए लड़की का बाप गिरफ्तार कर लिया, जबकि थाना बसीरपुर में 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। लड़की से ताल्लुकात थे, इसने मोबाइल फोन खुद मंगवाया था, इसकी फरमाइश पर देने गया था। लड़के का बयान। इस्लामाबाद में वजीर मुमलकत दाखला मिर्जा शहजाद अकबर का पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर का दौरा। मिर्जा शहजाद अकबर ने 388 मेडिकेट एक्ट IG इस्लामाबाद के हवाले की। अलाल अहमद के चेयरमैन अब्रारुल हक ताजर रहनम और पुलिस के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। ये किट्स इस्लामाबाद पुलिस के ड्यूटी पर तैनात अफसरान व जवानों को फराहम की जाएगी। और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर गेट लगा दिया। जर्नलिस्ट पैनल का एक और कदम सहाफियों को कोरोना वायरस की वबा से महफूज रखने के लिए प्रेस क्लब में 84 कुछ वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिया। कोड़ा के नवाहला के शाह मुकीम चौक बाबा फ्री टाउन में ट्रैक्टर ट्राली को आग लग गई। ड्राइवर अपने ट्रैक्टर ट्राला पर सूखा चारा लेकर जा रहा था कि रास्ते में बिजली की तारों से जा लगा। तारों की स्पार्किंग से सूखे चारा को आग लग गई। आग ने ट्राले को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू 112 ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, तहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मियां चन्नू कोरोना वायरस के हिफाजती इकदाम पर सरगर्म, इंतजामिया शहर में सफाई के मामलों को भी बेहतर करने में मसरूफ अमल। असिस्टेंट कमिश्नर जिशान नदीम की हिदायत पर म्युनिसिपल कमेटी का अमला शहर में मुख्तलिफ जगहों पर सफाई और सीवेज के इंतजाम में मसरूफ। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी की हिदायत की, फील्ड में निकले और शहर में सफाई के निजाम को चेक करें और शहरियों की सफाई की शिकायत को फौरी हल किया जाए, इसमें कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मियां चन्नू असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू जिशान नदीम का आर्मी अफिसर के हमराह मुख्तलिफ देहात का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने लोगों को कोरोना वायरस के हिफाजती इकदाम और हुकूमती अहकाम पर ब्रीफ किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने देहातियों से गुफ्तगू करते हुए बताया, मुश्किल इस घड़ी में हुकूमत इंतजामिया और पाक आर्मी आपके साथ है, एहतियाती तदाबीर पर अमल करने को करें और कोरोना को शिकस्त दें। कोड़ा में आसमानी बिजली गिरने से खातून जख्मी। नवाही गांव 2212 में खातून घर से वॉक के लिए निकली, अचानक आसमानी बिजली की जद में आ गई। आसमानी बिजली गिरने से खातून शरीर जख्मी हो गई। जख्मी होने वाली खातून की शनाख्त शमा बीबी जोजा मोहम्मद जिल के नाम से हुई। वाकई की इत्तला पर रेस्क्यू 112 फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। पिंडाला खोर के नवाही कस्बा शेरगढ़ से हबीबाबाद की जानेब जाने वाला मुर्गियों से भरा मिनी ट्रक नवाही गांव के करीब तेज रफ्तारी के बायस बैल को टक्कर आकर उलट गया, जिसके नतीजा में सैकड़ों मुर्गियां हलाक, जबकि मुकामी किसान का बैल और ट्रक ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया।